तो हे गाइज, वेलकम बैक टू नई वीडियो। कैसे दोस्तों, आप सभी का स्वागत भैया कि नई वीडियो। फाइनली दोस्तों, ये रहा हमारे पास सेट ऑफ बॉक्स। इसमें होते भाई साहब दो पोर्ट, LNB इन LNB आउट। इन दोनों का मतलब क्या होता है, ये है किसी न किसी लिए काम होता है। LNB इन में क्या होता है, LNB आउट से क्या होता है। दोस्तों आज की वीडियो हम सीखने वाले भैया कि एक सेटअप बॉक्स, एक ही डिश से दो सेटअप बॉक्स कैसे यूज कर सकते हैं बिना पैसों के, और क्या क्या भैया सीक्रेट जानकारी है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं भैया, दो पोर्ट है। LNB इन का मतलब क्या होता है, LNB आउट का मतलब हो सेटअप बॉक्स में कोई भी DD फ्रीडिस का सेटअप बॉक्स या कोई अदर सेटअप बॉक्स हो, ठीक है। LNB इन का मतलब क्या दोस्तों, जो हमारा सेटअप बॉक्स से वायर आता है LNB इन का, ठीक, DTS से हमारे जो डिश सिग्नल मिलते हैं उससे आता है। इसमें लगता है इनमें फर्स्ट वाले में। अब हमको चलाना भैया एक ही डिश से दो सेटअप बॉक्स, बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। क्या करना होगा भैया, आउट का मतलब क्या होता है, LNB इन मतलब इनका मतलब एक आया, आउट का मतलब होता है दूसरे किसी को दे देना, मतलब सिग्नल इसमें आ रहा, हम चाहते भैया इसमें भी सिग्नल आए, कोई दूसरी अलग भी TV चल सकती दोस्तों। हाँ जी हाँ, आप लोग सही वीडियो देख रहे हैं। LNB आउट का मतलब क्या होता है, आप लोग एक ही छतरी से दो सेटअप बॉक्स चला सकते हो। फाइनली दोस्तों देख सकते हो, इसमें दो पोर्ट है, LNB इन LNB आउट। आउट का मतलब क्या होता है भैया, एक तो वही छतरी का वायर आपका लग जाएगा DTS वायर, दूसरा इसे आउट करके जो दूसरा आपका सेटअप बॉक्स होगा इनपुट वाले में लगा दे। सबसे पहले आपका DTS वाला इसमें आया, ठीक, समझ गया आप। उसके बाद इससे एक वायर निकला हमारा DTS वायर, तो हमारा दूसरे वाले सेटअप बॉक्स पे LNB इन वाले में लग जाए, जिससे हमारे दोनों सेटअप बॉक्स चल जाए। फाइनली भैया कुछ तो कन्फ्यूजन है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे भैया इसी तरह के वीडियो आपको रोज़ देखने को मिलेंगी। सही में बिल्कुल सही वीडियो में दोस्तों आए हैं, कोई कन्फ्यूजन दोस्तों नहीं रहता। मैं एक एक वीडियो आपको कवर कर देता, एक एक टॉपिक मैं कवर करता हूँ। फाइनली ठीक है, आपने सोचा भाई आपकी TV चल रही, पर एक रीज़न है, पहले वाला सेटअप बॉक्स ऑन होगा तभी आपका दूसरा सेटअप बॉक्स चलेगा, चलने का मतलब है सिग्नल आएगा। अगर आपने फर्स्ट वाले जिसमें LNB इनका आ रहा है वायर, अगर वो सेटअप बॉक्स आपने बंद कर दिया, तो उसमें क्या होगा, दूसरा सेटअप TV चलते होगी आपकी बंद हो, सिग्नल चले जाए, ये ऑन होना चाहिए तभी आपका चले। इससे क्या है दोस्तों, इससे ना लगा के आप लोग, इससे मतलब कोई नहीं है, तो भैया एक सेटअप बॉक्स फालतू में चलता रहेगा, या दोनों TV चलती रहे मतलब कोई बात नहीं। आप चाहते एक ही छतरी से दो सेटअप बॉक्स चलाना चाहते हैं, बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे हम, एक आपको कनेक्टर दिखाते हैं, वो ले लेना जिससे आपको मज़ा आने वाला भैया, उससे बिल्कुल आसान तरीके से चलाओ। इसमें क्या है भैया, एक सेटअप बॉक्स ऑन रहेगा तभी आपका दूसरा चलेगा। अगर एक बंद हो गया, इनपुट वाला बंद जो DTS वायर लगा है, अगर वो सेटअप बॉक्स बंद हो जाएगा तो आपका भैया दूसरा सेटअप बॉक्स बंद। आपको एक कनेक्टर दिखाते हैं, वो आप ले सकते हैं, अपने छतरी में लगा सकते हैं। भाई लोग देख सकते हो भैया, ये है भैया कनेक्टर, ये कितने रुपए का मिलता है टे कनेक्टर। इससे आप लोग जैसा आपकी मर्जी हो ऐसा कह सकते हैं, भैया शॉप पे जाइए, अगर नहीं समझ रहे भैया फ़ोटो ले सकते हैं, इसका स्क्रीन शॉट ले दीजिए, उसमें दिखा दीजिए भैया हमको दे दीजिए, बिल्कुल आसान कैसे काम करता है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, आपको क्या करना, आपका मेन वायर आ रहा है आपका, मानते भैया ये DTH वाला वायर आ रहा है, हमने लगा दिया इसमें इसमें या तीनों में किसी में एक में लगा दीजिएगा, ठीक है, हमने लगा दिया बीच वाले पॉइंट में, ठीक। अब क्या करना है, एक DTH वायर इधर से निकालना है, एक DTH वायर इधर से निकालना है, एक ये वायर DTH क्या पहले वाले सेटअप और इनपुट में लगा दीजिए, और दूसरा वाला दूसरे वाले में लगा देना, इनपुट LNB इन में लगाना, तो आपका बेहतर चलेगा। आपका चाहे जो भी सेटअप बॉक्स करें बंद करें, आपका भैया सिग्नल जाने वाला नहीं, मैं बिल्कुल रियल दिखाता हूँ भैया, समझ गए। इस तरह का भैया कनेक्टर आप लोग ले सकते हैं, बिल्कुल कितने रुपए का मिलेगा आपको, लगभग भैया 20-30 रुपए का मिल सकता है भैया, मुझे तो भैया 20 रुपए का मिला था। तो फाइनली अपने मार्केट में जाके DTH वाली दुकान में आप लोग आसान तरीके से भैया सब ले सकते हो भैया, एक डिश से दो TV आसान से चलेंगी, ठीक। एक बात और, जब आप DTH वायर में कोई काम कर रहे हो, अगर वायर भैया कनेक्टर लगाना है, तो भैया दोनों TV बंद करके ही चलाना काम करना, ठीक। मान लेते भैया एक TV चल रही है, दूसरी बंद है, जब आप मान लो कि इसमें भाई वायर शॉर्ट होंगे, तो आपका जो TV चल रहे हैं उनमें सेटअप बॉक्स भैया बंद हो सकता है, ख़राब हो जाए, तो ऐसी गलती ना करें, जब भी काम करें दोनों सेटअप बॉक्स को बंद कर दें, TV को बंद करें, तभी आपका कनेक्टर कोई अदर काम हो
करने लगे। तो भैया आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो लाइक का जरूर बटन दबाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद जय भारत।